क्या है ये? तू है? तू है? मतलब तेरा पोर्ट्रेट है? अबे पर इसमें मैं कहाँ हूँ? मुझे तो डर लग रहा है वरुण, कहीं बैरी गुस्से में ऋषि की कुटाई ना करे। अबे बोलेगा भी कहाँ हूँ मैं? ये भी तो मैं ही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था कि तू कहाँ है इस पेंटिंग में, कहाँ है तू? मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लेकिन बाद में ये ने मुझे समझाया कि ये एक मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट? अबे पर इसमें आर्ट कहाँ है और मॉडर्न क्या है? यही तो मैं भी पूछ रहा था, यही तो मैं सोच रहा था कि इसमें मॉडर्न क्या है और आर्ट क्या है। बाद में एमी ने जो मुझसे कहा उसने मेरा दिल जीत लिया। वाह, उसने कहा? अबे आगे भी बोलेगा? हाँ बड़ी चल बता रहा ना। उसने मुझसे कहा कि ये जो पेंटिंग है ना, ये कोई समझे या ना समझे, लेकिन बैरी जरूर समझेगा इस पेंटिंग को भी और मेरे फीलिंग्स को भी। हाउ स्वीट। समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं, लेकिन तुम लोगों की चाल को, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी चाल समझ नहीं आ रही मुझे? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझे? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मतलब तुझे क्या लगता है, तू क्या समझ रहा है? एक तो हम यहां तेरी हेल्प कर रहे हैं, एमी के साथ तेरी सेटिंग कर रहे हैं, और तू उल्टा सीधा हमें ही सुना रहा है। यू नो व्हाट, लीव इट, जस्ट लीव इट। ये पेंटिंग एमी को वापस लौटा दूंगा और उसे बता दूंगा, उसे बोलूंगा कि जिसे वो अपना प्रिंस चार्मिंग समझ रही थी, वो ना तो उसकी पेंटिंग को समझता है और ना उसकी फीलिंग्स को। बता दूंगा मैं। चलो गाइस, चल, 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 चलो यार। ऋषभ, ऋषभ यार, तू तो नाराज हो गया इतनी जल्दी यार। यार तुम ऐसे गुस्सा नहीं होते, मैं ना थोड़ा ओवररिएक्ट कर जाता हूँ। तू दिखा मुझे, हमें दिखा ना। क्या बात है यार, क्या पेंटिंग बनाई है, और इसमें तो मैं हूँ। ये हाँ, ये रहा। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यार मेरी? वाह 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 यार, इतनी टैलेंटेड है ना मेरी। ये पेंटिंग तो मुझे चाहिए। अरे तो निकाल 5,000 रुपए। 5,000? वो क्यों? वो बताएगा, चैरिटी के लिए। और किसके लिए? एक मिनट, तू कौन सी चैरिटी करने लग गया? बड़ी एमी जो ये पेंटिंग बनाती है, जब वो बिकती है तो सारे पैसे चैरिटी पे जाते हैं। कितनी अच्छी यार एमी, चैरिटी भी करती हो, मल्टी टैलेंटेड यार, मतलब। अच्छा मुझे गौर से देखो और बताओ कि आज मुझ में अलग क्या है, बताओ बताओ। अरे छोड़ो जी, दिमाग में ज्यादा जोर ना पाओ, मैं बताती हूँ। मेरे ऊपर वाले होंठ पर थोड़ी डार्क लिपस्टिक है और नीचे वाले होंठ पर लाइट लिपस्टिक। तो समझ ही ना रही। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक बात बताओ कि आज आपकी नानी ज्यादा टिप टॉप लग रही है या दादी? अच्छा अच्छा मैं बताती हूं, आप नहीं, मेरा मतलब आप एकदम टिप टॉप लग रही हैं, और मेरी प्यारी दादी सुपर्ब लग रही हैं। वाओ आप दोनों बिल्कुल रॉकिंग लग रहे हो, क्यों है ना?
अरे लेकिन आप स्पोर्ट्स शूज क्यों नहीं पहन कर आई? आपको तो पता ही है ना, सगाई के बाद संगीत होगा, उसमें पंगड़ा शांगड़ा, तो कैसे नाचोगे आप? एक बात बताओ, साड़ी के नीचे कौन पहने स्पोर्ट्स शूज? और मेरे को नहीं करना भंगड़ा, मैं तो घूमर करूंगी। ठीक है बड़ा मजा आएगा। पता है मैंने ना अपनी सेलिन की बॉटल भी निकाल दी है। अच्छा किया। फिर आप कहीं करोगे? कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ले लो, खत्म। तो मैंने भी वो एक्स्ट्रा मेडिसिन ले ली। ले नीटू पकड़ छोड़ी, आज जरूरत कोनी। ऐसी नाचूंगी। पर ये दूल्हा दुल्हन कहाँ रह गए? मेरे मन में चोर है। हेलो जी राजीव जी, ये बिल्कुल सही गल नहीं है जी। मतलब आप अकेले कैसे चल दिए? हमें तो साथ में चलना है ना। मैं क्यों, क्यों भाई, मैं क्यों चलूं आपके साथ? आपको तो लगता मेरे मन में चोर है तो मैं क्यों चलूं आपके साथ? मैं नहीं चलूंगा जी। राजीव जी आप भी ना जब देखो बच्चों की तरह कंप्लेन करने लगते है। राजीव जी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा चलिए मिट्टी पाओ। ओहो मिट्टी पाओ, मतलब आपने इल्जाम पा दिया मुझ पे, अब बोल रही मिट्टी पाओ, ये कोई बात हुई? आई एम सॉरी राजीव जी, मतलब गलती हो गई मेरे से, मुझे आपका दिल नहीं दुखाना था। आई एम सॉरी राजीव जी। और देखिए राजीव जी, अब जो है ना कंप्लेन का टाइम नहीं है, अब तो एक्टिंग करने का टाइम है, हैं जी? देखिए दर्जी जी, आपको ना पहले प्रॉमिस करना होगा, आप ऐसा नहीं सोचेंगी मेरे बारे में और दोबारा ऐसा कुछ बोलेंगी नहीं, समझ गई आप? ओके राजीव जी, पक्का प्रॉमिस करती हूँ। अब चलिए साथ में एंट्री करें और एक्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है जी? एक्शन कट। राजीव जी अरे यार तो जानवी का है फिर दर्जी जी के पास? एक बात कहूं, जब तुम ये हार पहनती हो ना एकदम माधुरी लगती हो, नहीं झलक तो मारती हो, समझ लो ये हार तुम्हारे लिए बना है बस। जी नहीं, ये खानदानी हार बंसल परिवार की बहू के लिए बना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.